अब आपको पता ही है आयशा का। हाँ जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? आप लाहौर आई हैं, आप मेरे प्रोग्राम में आई ना किसी दिन? मैं ज़रूर आऊँगी, अब तो लाहौर के बड़े चक्कर लगते रहे। हाँ जी, चलिए। अभी कब तक है? अभी तो मैं आज जा रही हूँ इस्लामाबाद, मेरे कुछ काम है। अच्छा, बस फिर इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद फिर चक्कर लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। लिस्ट आप लोगों ने मुझे देनी है। मैं माँ से पूछती हूँ कि उसके जहन में क्या था जब उसने डिस्कस किया, तो असल में आपको पता है कि पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। इसमें ज़ैनब है, फरीदा है, खवातीन की मैं जो बात कर रही हूँ, और उनके कॉन्टेक्ट में आपको दे सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि मेरा अपना जो है वो मैं अभी बहुत ही सोच के काम करने वाला हूँ, तो मुझे काम दें, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊँगी। बिकॉज इलेक्शन का जो मेरे सर पर इस वक्त लोड है, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है उस इंसल्ट के बाद, नो डाउट कि उस वक्त मैं बड़ी जलील हुई थी जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था, और बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। ये आपके लिए आई है, मैं कभी मुझे वहाँ पर ठंडी तो नहीं होगी, सब चेक कर लें, हमेशा ठंडी चाय मिलती है। सबा ने मेरे ख्याल 6 साल पहले के 5 साल पहले मेरा पहला प्रोग्राम किया। हाँ जी, मेरी और आपकी तो काफ़ी है ना, बहुत पुरानी है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल एक बस आपको क्या ख्याल है कि ये वाकई है मेरा रिजल्ट सीट में नाम नहीं लगा? सीजन को तो हटा दिया, मालदार को तो जंगीर तरीन साहब को तो फारिग कर दिया। अच्छा, आपका ख्याल है कि उसको भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा? यही बात भी पूछ रही थी ना आप, तो मैंने भी कहा इस तरह करें, मेरे साथ आए, तवक्कुल अला अल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, मेरे साथ आए, और इंशाल्लाह देखेंगे आधी पार्टी है वो तो खाली होगी, मेरे पास आ जाएगी। आप नाम क्या रख रही हैं? आप नहीं पार्टी करवा रही हैं? अच्छा, 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 जी जी, वही मैं कह रही थी ना, जिस तरीके से वो सारी अब मुस्लिम लीग जो है वो PMLN ही बन गई है, सब लोग PMLN ही से सुन रहे हैं, और ये इंशाल्लाह देखेंगे आगे। मैं आपको पर अल्लाह ताला ने अभी तो बड़ी करम नवाजी की है। मैं असल में यकीन करें कि अगर सिर्फ तरीके इंसाफ की बात होती है तो उनके लिए आज से तो अब मैं अगर किसी की वजह से ओनली वन उनका था, अब मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा था कि वो लंदन में चले गए थे ना, आज से दो माह पहले उनका प्रोग्राम था, पर उनका था कि वो शायद मेरी उनके साथ अक्सर बात होती रहती थी। हाँ, मैंने सरवर साहब से कहा था, सरवर साहब अगर आप किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं या अपनी कोई अनाउंस करते हैं मैं आपके साथ, क्योंकि उसके से पहले भी मैं ट्रेनिंग सरवर साहब की कराती रही हूँ, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, मैं मास्टर पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, ये आपकी ये बड़ी नई बात होगी। आई एम ओनली वन इन ऑल ओवर पॉलिटिकल, कि कोई खातून अभी तक ऐसी नहीं है, इवन मर्द भी जो पॉलिटिकल ट्रेनर हो। तो उससे सरवर साहब ने फिर मुझे ये ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने कहा था देखो सीमा लाहौर में नहीं, इसको डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर सरवर साहब ने ही मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे भेजा था, मैंने वो ट्रेनिंग दी, उससे वो बहुत खुश हुए। उसके बाद ही फिर उन्होंने कहा असीमा अब तो मेरे लिए काम करो, तो अब यकीन करें कि मैं अब अगर काम कर रही हूँ तो सरवर साहब के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, और इसके लिए जो है वो जो मैं सुन रही हूँ इस नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये भी मुझे पता चला है कहीं से कि जी अगर PTI आती है तो उनका अब रोल ये होगा। तो मुझे तो सिर्फ ये है आपके कि सरवर साहब का मस्त हम अब जान देंगे, तो मुझे अपने साथ सिर्फ ये मुझे है। बस मैं चाह रही थी कि आप मैं इनविटेशन दे दूँ, पर हाँ बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई 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 आई
بورڈ ود اس اور پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور سینٹرل کیبنٹ میں میرے ساتھ ہوتی ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم میں وہی بات کر رہی ہوں کہ میں اس چیز کے لیے صرف صرف سرور صاحب کو نہ بتاؤں میں کسی کو بھی نہیں کہنا میں شاید اپنے ہسبینڈ کو بھی نہ بتاؤں لیکن میں سرور صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گی صرف